आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे भी बीइंग अ फीमेल तो सारे क्वेश्चंस जो फीमेल्स के माइंड में आ रहे होते हैं या वो एक्सपीरियंसेस वो सफर कर रही होती हैं, तो उन सारी चीजों को इंशाल्लाह आज मैं आपसे ऑन बोर्ड पूछना भी चाहूंगी, ताकि मेरे साथ साथ वो तमाम फीमेल्स जो इस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं या इसका पार्ट बनने चाह रही हैं, उनको उस हवाले से बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो सके। जैसे हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सी फीमेल्स जो हैं वो ब्रेड अर्नर होती हैं और कुछ हमारे किचन फिक्स बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनका मेजर कंसर्न होता है कि क्या ये बिजनेस जो है एक राइट चॉइस है कि इसको अडॉप्ट करते हुए वो अपने उन फिक्स बेस एक्सपेंसेस को भी पूरा कर सकें और अपनी फैमिली को कुछ फाइनेंशियली जो है वो अपलिफ्ट करते हुए एक अच्छा लाइफस्टाइल भी अपना सकें। थैंक यू सो मच। आप जो है वो हाउसवाइफ जो है उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम एक पाकिस्तानी कल्चर में पैदा हुए, पले और बड़े, और वहां पे हमने ये चीजें देखी हैं कि हमारे जो खानदान के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर जो बेसिकली फीमेल जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, एंड दे टेक केयर नॉट इवन किड्स एंड फैमिलीज, दे टेक केयर हस्बैंड एंड दे टेक केयर देयर अर्निंग्स एज वेल, ठीक है, उसके अंदर से कुछ बचत करती हैं, कुछ किचन को सेव करने का, और उसकी जिसको आप कहते हैं ना इकोनॉमिक की मास्टर्स होती हैं, वो होम फाइनेंस होता है बेसिकली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो अपने किचन को, किचन सेविंग जिसको आप कह सकते हैं, उसके लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिये ऑफकोर्स सबसे पहली चीज होती है फैमिली कल्चर, और सेकेंड उसके बाद होती है कि फैमिली को सपोर्ट भी करना है। बिकॉज अगर एक फीमेल जो है वो शादी के बाद या बच्चों के साथ जो है वो किसी जॉब के ऊपर जाते हैं, तो उनको काफी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जिसको शायद बहुत कम लोग जो है वो उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, राइट? क्योंकि चैलेंज एक दिन का हो तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, एक हफ्ते का हो तब भी बर्दाश्त कर लिया जाता है, जब ये टाइम बाद आ जाती है पूरी लाइफ टाइम की, तो उसके ऊपर आप उस डेली बेस की रूटीन के ऊपर अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज नहीं करते। तो फीमेल्स जो कि घर पर बैठी हैं और वो ये चाहती भी हैं, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या वो उसी एनवायरनमेंट में रहें जिस एनवायरनमेंट में हैं, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट ना कर सकें और दिल ही दिल में ये ख्वाहिश रखें कि मैंने जो शादी से पहले डिग्री ली थी उस डिग्री का मुझे क्या फायदा हो रहा है, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि दे स्टार्ट लुकिंग समथिंग विच दे कैन डू फ्रॉम होम, विच इज लाइक इंटरनेट के ऊपर बैठकर फ्रीलांसिंग करना व्हाटसोएवर, एंड उसके अंदर भी जब फ्रीलांसिंग जब इंसान करता है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर भी मल्टीपल चॉइसेस आ जाती है, राइट? ई कॉमर्स है, ग्राफिक डिजाइनर है, एंड सो एंड सो। तो मेरे ख्याल से नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए हाउसवाइफ्स के लिए ज्यादा बेहतर है और ज्यादा सूटेबल है। एक तो ये है कि वो इसको स्लोली प्रोग्रेस कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि इसमें कोई ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तीसरी चीज यह है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स जो है वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद बेसिक थिंग। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे फीमेल्स जो है वो अपना डोमेन जो है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, इफ दे वॉन्ट टू वर्क ओनली इन फीमेल डोमेन। बिकॉज आई हैव मैनी सिनेरियोज जहां पर मैंने ये देखा है कि जो फीमेल्स हैं उनकी फैमिलीज उनको काम करने की इजाजत देती हैं, बट वो इजाजत क्या होती है कि यू हैव टू वर्क इन ओनली फीमेल डोमेन। तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं होता कि दे कैन गो इन द बैंक और से कि जी हमने तो सिर्फ फीमेल डोमेन के अंदर काम करना, बिकॉज वहां पर तो आपको मेल डोमेन्स भी मिलेंगी, वहां पर आपको बॉस हो सकता है मेल मिल जाए। तो इस लिहाज से ये चार पॉइंट जो है मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, कि जहां पे वो अपनी किचन सेविंग भी कर सकती हैं और अपने स्किल्स को, जो उनकी डिग्री जो बेसिकली एक किस्म की यूजलेस हो चुकी थी, उसको प्रॉपरली फील्ड के अंदर लाकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दे कैन बी ऑन द कैरियर पाथ, जहां पे एक साल के बाद, छह महीने के बाद वो किसी एक डिजायर पोजिशन पे पहुंच कर अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा सकते हैं कि लुक आई हैव डन समथिंग इन योर बाउंड्रीज, आई मीन आपकी जो डिसाइड किया हुआ कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसके अंदर रहते हुए मैंने वो चीज अचीव कर ली। सो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो फीमेल के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है।